गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ये 11th क्लास और 12th क्लास का भी सारा यूनिट हम लोग 12th क्लास भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 11th क्लास के भी यूनिट एंड डायमेंशन। और ये नीट आईटी में आईटी एडवांस 7 नंबर वीडियो है, ठीक है। और 6th में हम लोग पढ़ रहे थे अप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 पॉइंट था, क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन हो गया था आपका। वही कंटिन्यू करते हैं, 10 क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो 70 आपका यूनिट हो गया था। सो इस लेक्चर में, लेक्चर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन लेक्चर 2 का, और उसके बाद इसके आगे एक लेक्चर और मैं रिकॉर्ड करूँगा, उसमें मैं 20 और यूनिट डिस्कस कर दूँगा। स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास आप अप्लीकेशन देख रहे थे कि कैसा आता है पेपर में, मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ पे, और एक क्वेश्चन है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। सो पहले तो आईटी एडवांस में आया था, बाद में ये पीएमटी में भी पूछा गया, और कई एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। सो सेम क्वेश्चन मेडिकल में भी रिपीट किया, पहले एडवांस का क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन क्या है आपका, मैं क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट दे देता हूँ, लास्ट में मैं स्लाइड बना के प्रेजेंट कर दूंगा। सब क्वेश्चन है आपके यूनिट डायमेंशन लेक्चर 2 में, सारे क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द रिलेशन अल्फा बाय बीटा, एक रिलेशन लिखा हुआ पी इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, और यहाँ पे ई माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा। ऐसा रिलेशन लिखा हुआ, ये आईटी एडवांस का और बाद में मेडिकल क्वेश्चन बना। P4 टर्म लिखा हुआ, P का मतलब है प्रेशर, Z रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, K के लिए लिखा हुआ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, पेपर में लिखा हुआ अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। ये अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म है, और आपसे पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ बीटा, डायमेंशन ऑफ बीटा चाहिए। ये पूछा जा रहा है। सो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं आपको। ये और कई एग्जाम में आईटी मेन में भी पूछा हुआ है, पीएमटी में फिर से रिपीट किया हुआ, अलग अलग टर्म देख करके इसमें। तो एक क्वेश्चन समझेंगे, बाकी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो जो आए हुए हैं हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पे अभी। देखिए इसमें वो जो टर्म लिखा हुआ है ई, देखिए ई जो टर्म लिखा हुआ है, ई को हम लोग साइंस में एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अभी ये 9th-10th में नहीं था टर्म, ये 11th से स्टार्ट होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म होता है। इसको एक्सपोनेंशियल पूरा ना लिख करके लोग ऐसे भी लिखते हैं, ई एक्स पी भी लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल भी लिखते हैं। इसका वैल्यू 2.7 होता है, ये एक नंबर है और ये एक कांस्टेंट टर्म है। ये एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। पहले इसके बारे में, ये नया है, ये नहीं था आपको, आपको 9th-10th में नहीं था। एक्सपोनेंशियल जो होता है 2.7, ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, फिजिक्स में काफी यूज होता है, 11th में भी, 12th क्लास में भी, और मैथ के अंदर जब आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ई एक्स पी भी लिखते हैं, ये एक नंबर हो। सो आपको इसके ऊपर कुछ भी आएगा, अब आपको समझना है कि ये प्रेशर है और यहां है अल्फा और यहां बीटा, और आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर कुछ भी टर्म है, माइनस अल्फा जेड आर डिवाइड बाई के इंटू थीटा, मान ली ये टर्म लिखा हुआ, बट मीनिंग आपको ये जानना है कि इसका मतलब हुआ कि ये अल्फा है और बीटा है,
और ये होल टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, एक नंबर है। क्योंकि अगर ई एक नंबर है, ई एक नंबर है तो कोई इसके ऊपर पावर करेंगे, ई पे पावर वन कर देंगे या ई पे पावर टू कर देंगे, ई पे पावर फाइव कर लेंगे, ई पे पावर एक्स कर लेंगे, जो भी टर्म आएगा ये श्योर एक नंबर है, क्योंकि ये एक नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर है। तो नंबर के ऊपर पावर, वन पावर, टू पावर, थ्री पावर, टेन पावर, एक्स पावर, एन पावर, एनी पावर, वो होगा तो फाइनली नंबर है। तो इसके ऊपर कुछ भी पावर डालिएगा ये भी एक नंबर हो। यहां से बीटा आपको निकालना है, तो बीटा आप समझेंगे, बीटा का मतलब हुआ अल्फा इंटू नंबर और डिवाइड बाय प्रेशर। वेट करिए, अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी नहीं सॉल्व हुआ, बट हमारा बीटा का डायमेंशन निकालना है। तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, प्रेशर तो हम लोगों को पढ़ा हुआ, वो तो सॉल्व कर लेंगे। अल्फा, अल्फा हमें निकालना है, हमें अल्फा निकालना है। रुकिए, तो पहले समझिए कि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर कुछ भी पावर लगाएंगे ये पूरा एक मैथमेटिकल नंबर आएगा। और इस तरह बीटा को इधर कर लीजिए, प्रेशर को उधर कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट देखिए, आप एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी पावर लगाते हैं, जैसे इस पे पावर वन है या इस पे पावर टू है या इस पे पावर फाइव है या इस पे पावर एक्स है, वो सब भी, वन एक नंबर है, टू भी नंबर है, फाइव भी नंबर है, एक्स भी, जो भी आप ऊपर टर्म देख रहे हैं वो भी एक नंबर होता है, ठीक है, ये एक नंबर है, मैथमेटिकल नंबर। ओके, मैं इसको हटा रहा हूं, इसको रहने दीजिए, ओके, जस्ट वेट। ठीक है, ऐसा मैं हटा दूं, इसमें से ये सब तो टर्म हटाता हूं मैं। देखिए, है आसानी क्वेश्चन है, आप समझिए कि मेडिकल में भी आया हुआ है, तो टाइम तो आपको एक ही मिनट मिलता है, है नया, आप लोग जस्ट टेंथ पास किए हैं तो आपको बड़ा लगेगा, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक मिनट में आ जाता है क्वेश्चन। So, आपने क्या सीखा कि ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के ऊपर एनी जो पावर है ये पूरा टर्म, होल टर्म एक नंबर है, ये पूरा टर्म एक नंबर है। जैसे ई पे पावर वन, ई पे पावर टू, ई पे पावर फाइव, ई पे पावर एक्स, एक नंबर होता। तो इसके ऊपर जो भी पावर आएगा, वन है, टू है, फाइव है, एक्स है, टेन है, वो भी एक नंबर होता है। मतलब अल्फा जेड आर डिवाइड बाई के इंटू थीटा मस्ट बी अ नंबर। आप साइड में यहां पे लिख सकते हैं, साइड में समझने के लिए यहां लिख सकते हैं कि ई पे पावर कुछ भी लगाइएगा, एक्स वाई जेड एक एक एक्चुअली एक नंबर होता है, और इसके अंदर, इसके अंदर जो एक्स भी होता है, एक्स भी एक नंबर है। ऐसा ये छोटा सा प्लानिंग आपको करना है आपको, क्योंकि ये इसका वैल्यू 2.7 होता है, तो ये तो एक मैथमेटिकल नंबर, और इसके ऊपर कुछ भी डालिए, वन लगाइए, टू, तो सारा का सारा नंबर ही आएगा आपको। और ये भी टर्म, इसके ऊपर जो पावर है वो भी एक मैथमेटिकल नंबर है, तो ये जो पावर है, एक्स रखिए या माइनस एक्स रखिए, वो नंबर हुआ, इससे आपको अल्फा मिलेगा। रुकिए, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू थीटा और डिवाइड बाई जेड इंटू नंबर, ये अल्फा मिल गया। रुकिए, अभी अब बीटा देखेंगे, बीटा इज इक्वल टू क्या था आपका, अल्फा इंटू एक नंबर और डिवाइड बाय यहां पे प्रेशर। इस अल्फा को पुट कर देंगे यहां पे, पुट कर दीजिए अल्फा को, आपको लगेगा कि काफी बड़ा है, बट ऐसा नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक मिनट के पहले बना लेंगे आप। अब देखिए आपका फाइनली बीटा, बीटा इज इक्वल टू फाइनली ये अल्फा पुट करेंगे, अल्फा यहां पुट करेंगे तो के हुआ, यहां थीटा हुआ, जेड हुआ, इनटू प्रेशर हुआ, इनटू नंबर का स्क्वायर।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पढ़ते थे आर डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, ऐसे गैस कांस्टेंट बाय एवोगाड्रो नंबर। अब चेक करेंगे फाइनल, फाइनल चेक करेंगे। अब मैं डायमेंशन लिखूँ सबका, सबका डायमेंशन लिखता हूँ। आर, आर का यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल, आर का यूनिट जूल, जूल जानते हैं एम एल टू टी माइनस टू, जूल पर केल्विन पर मोल, करेक्ट। थीटा, थीटा का यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया केल्विन, केल्विन नंबर यूनिटलेस। एवोगाड्रो नंबर, इसका यूनिट होता है मोल इनवर्स। जेड, जेड डिस्टेंस लिखा हुआ, डिस्टेंस यूनिट हुआ एल। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एम एल टी माइनस टू, नीचे में एल स्क्वायर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डायमेंशन में खूब एक्सपर्ट, क्योंकि अभी तक 70 पढ़ चुके हैं, 100 प्लस क्वेश्चन बना चुके हैं, तो ये सब डायमेंशन में एकदम फिगरेटिव पे ही। और डायमेंशन आपका आर जैसे है, एवोगाड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मीनिंग क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेशर क्या होता है तो आप जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो सब मन में सोचिए कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स हुआ बाय एरिया डिवाइड कर लेंगे, क्या जाएगा आपका। बाकी अब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत सारा चीज़ें तो कट गया। ये मोल इनवर्स, मोल इनवर्स कैंसिल, के, के खत्म, यहाँ पे एल, एल माइनस वन कैंसिल, यहाँ एम, एम कैंसिल होगी। ओह बहुत सारा टर्म का, टी पे पावर माइनस टू, टी पे पावर माइनस टू, सिर्फ एल स्क्वायर बचा, ओनली एल स्क्वायर। मैं ऐसा चेक करता हूँ, यस सर, ओनली एल स्क्वायर ऑप्शन में है बेटा, तो ओनली एल स्क्वायर। सो यह डायमेंशन ऑफ बीटा, तो इस आईटी क्वेश्चन, सो आपको मेडिकल में भी पूछा हुआ है कैसे बनाना है, चेक करिए। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी आई टी मेन में ऐसे ही क्वेश्चन आया था। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन, ये 2019 का जो लास्ट पेपर हुआ था आईटी मेन का, उसका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो एकदम सेम वही आईटी क्वेश्चन, वैसा ही आपका जैसे पीएमटी क्वेश्चन आया था, इससे पहले क्वेश्चन था, सेम पैटर्न पे है। और यहाँ भी टाइम एक मिनट है, अब यहाँ पे टर्म चेंज कर दिया, फोर्स कर दिया, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कर दिया, ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल है, वो कोडिंग है, लिखने का तरीका है आपको। देखिए यहाँ पे आपको लिखना ऐसा है कि फोर्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल, और ये है माइनस एक्स स्क्वायर बाई के अल्फा इंटू टी, ये है टर्म ऐसा। और मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि देखिए ई पे पावर एक्स
ये कुछ भी आपका x माइनस एक्स ई पे पावर n, n जो भी लिखना हो या ई पे पावर x जो भी लिखना है, ये एक कांस्टेंट है। और इसके साथ साथ इसमें जो x टर्म यूज होता है वो भी एक कांस्टेंट होता है। तो ये एक छोटा सा हिंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि e का वैल्यू जानते हैं कि 2.7 होता है, तो ये एक कांस्टेंट है। और उसके ऊपर जो भी पावर भी लगाएंगे, वो पावर भी जो भी यूज करें, एक्स है, माइनस एक्स है, माइनस एन है, जो भी करेंगे वो भी एक कांस्टेंट होता है। बस एक छोटा सा हिंट, ये मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने आपको। अब उस हिंट का हेल्प लेंगे तो देखिए यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, और साथ में ये जो टर्म है पूरा टर्म एक कांस्टेंट हो गया। यहां आपको बीटा चाहिए तो बीटा इज इक्वल टू फोर्स और डिवाइड बाय अल्फा इनटू कांस्टेंट, ये फंक्शन बना लेंगे आप। अब हमें अल्फा निकालना है, वो भी आराम से निकल जाएगा। आप जानते हैं कि ये मैंने आपको बताया था कि ई के ऊपर जो भी पावर होता है वो भी तो एक कांस्टेंट होता है। तो ई के ऊपर जो भी पावर है, ये जो पावर हुआ, ये पूरा पावर जो है, ये पूरा पावर को निकाल के लाइए और बोलिए ये भी तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर के अल्फा इंटू टी। यहां से अल्फा निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई के इंटू टी कॉन्स्टेंट। सॉल्व करेंगे, ये अल्फा को जाके पुट करिए यहां पे, सॉल्व करिए, बस एक मिनट टाइम रहता है आपको। सो बीटा इज इक्वल टू, यहां हुआ फोर्स अल्फा, अल्फा यूज करना है तो अल्फा स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय के इंटू टी, और यहां पे कांस्टेंट है और यहां पे भी एक कांस्टेंट है। ऐसे कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसे भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, हटा भी सकते हैं आप। सो इसलिए बीटा फोर्स इंटू के और इंटू टी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बाकी अब सॉल्व करिए आप, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के तो फोर्स और आर बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू टी, टी फोर टेम्परेचर था, टी फोर मैं चेक कर लेता हूँ, टी फोर टेम्परेचर, यस टी फोर टेम्परेचर है वही आपका, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। बाकी अब रखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। फोर्स एम एल टी माइनस टू, आर गैस कांस्टेंट जूल पर केल्विन पर मोल, तो जूल, जूल का हो गया एम एल टू टी माइनस टू, जूल पर केल्विन पर मोल, के का मतलब केल्विन, टेम्परेचर का मतलब केल्विन, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर मोल इनवर्स, एवोगाड्रो नंबर का यूनिट होता है मोल इनवर्स, कैंसिल करेंगे आप, ये मोल इनवर्स कैंसिल, के एंड के कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, फाइनली यहां सिर्फ बच गया एम, एम टू सॉरी एम टू, एल वन, एम टू एल वन और टी माइनस फोर। चेक करता हूँ, एम टू एल टी माइनस फोर एकदम करेक्ट, करेक्ट। तो ये था आईटी मेन का आया हो क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही है, एडवांस वाला ही क्वेश्चन और मेडिकल का ही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट है आपको। नेक्स्ट
सो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे आपका. सो ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है. इसमें टर्म नहीं लिखा हुआ है कि पी क्या है, वी क्या है, आर क्या है, टी है, बी क्या है और अल्फा. अल्फा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ, ये पूछा जा रहा है. एक्सपोनेंशियल है, मैंने अभी एक्सपोनेंशियल के दो क्वेश्चन कराए और ये भी पीएमटी का आया हुआ क्वेश्चन है. सो बार बार मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपोनेंशियल जो ये एक टर्म है, ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर कोई भी पावर रहेगा वो कांस्टेंट बनेगा और इसके ऊपर जो पावर एक्स है वो भी एक कांस्टेंट ही है. ये एक छोटा सा हिंट है जो मैं सारे क्वेश्चन में यूज कर रहा हूँ. तो यहाँ आप तुरंत आप बना सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर देख रहे हैं वो एक्चुअली कांस्टेंट होता है. तो अल्फा वी आर डिवाइड बाय आर टी, ये एक्चुअली एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है. सो आप अल्फा को यूज कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आर और टी आर डिवाइड बाय वी और इनटू कांस्टेंट, ऐसा. सो यूनिट ऑफ अल्फा या डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम एज डायमेंशन ऑफ आर टी बाय वी. आंसर में तो नहीं है, कोई बात नहीं है. आप एक मोस्ट कॉमन इक्वेशन साइंस का जो सबसे फेमस इक्वेशन होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ऐसे. सो अगर आर टी बाय वी यूज करें, ऐसे आर टी बाई वी अगर यूज करें, अगर वन मोल, अगर हम लोग मान लें एन इज इक्वल टू वन मोल, एन भी एक नंबर है, मैथमेटिकल नंबर हुआ, मोल वन मोल ले लेंगे, तो ये आर टी बाई वी, आर टी बाई वी किसके बराबर आ जाएगा, पी के बराबर. सो आपका अल्फा, आप अल्फा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म जो होगा वो पी के बराबर और बगल में कॉन्स्टेंट. सो अब आप रिलेट कर सकते हैं कि यूनिट ऑफ अल्फा, यूनिट ऑफ प्रेशर एग्जैक्टली सेम है, या डायमेंशन ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है. सो यहाँ पे लिख लेंगे डायमेंशन ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ पी, सो अल्फा और पी का डायमेंशन एक जैसा. सो एक्सपोनेंशियल के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बनाने का तरीका यही है, एक छोटा सा हिंट इसी के हेल्प से बनाना है आपको. नेक्स्ट. सो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे दिख रहा है कि नाउ फिजिकल क्वांटिटी पी इज इक्वल टू पी नॉट, ऐसे लिखा हुआ कि यहाँ पे टर्म नहीं लिखा हुआ, पी इक्वल टू पी नॉट लिखा हुआ और यहाँ एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, उसके बगल में लिखा हुआ माइनस ए अल्फा टी स्क्वायर, ए अल्फा टी स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ. अब इसमें ए कांस्टेंट है, टी फोर टाइम ए लिखा हुआ, ए तो कांस्टेंट है, टी लिखा हुआ टाइम है. आपसे पूछा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ अल्फा, ये चाहिए डायमेंशन ऑफ अल्फा, ऑप्शन लिखा हुआ डायमेंशन ऑफ अल्फा चाहिए. बहुत आसान सा, अब तो आप सीख चुके हैं. आप इस फंक्शन को अगर लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, p इज इक्वल टू p नॉट और एक्सपोनेंशियल, इफ एक्सपोनेंशियल है, माइनस ए अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये है फंक्शन. सो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी टर्म आएगा, एक्सपोनेंशियल के ऊपर x टर्म है तो ये जो भी टर्म आपको आएगा वो कॉन्स्टेंट है. सो ए अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अल्फा देखेंगे, अल्फा ऊपर में है कॉन्स्टेंट, नीचे भी ए, नीचे जाएगा ए, तो
ए तो एक कांस्टेंट है और यहाँ पे है टाइम का स्क्वायर, ये टाइम नीचे टी है, टाइम स्क्वायर हुआ। सो यूनिट ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा चाहिए। सो वन बाई टाइम, टाइम का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे करेंगे टी माइनस टू, हो गया। सो ये हो गया 14। नेक्स्ट, और मैं आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पूछा जाता है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा में पूछा जाता है वो कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेडिकल क्वेश्चन है और इसमें साइन फंक्शन मैंने यूज किया। ऐसे क्वेश्चन इनका भी बनाने का सेम कॉन्सेप्ट है, सेम एक्सपोनेंशियल जैसा ही यहां भी कॉन्सेप्ट होता है। जैसा आप समझिए, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए और साइन बी एक्स सी टी प्लस डी ऐसे लिखा हुआ है और डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी, ये सारा ए बी सी डी का डायमेंशन है। एक्स डिस्टेंस है, टी फोर टाइम वो रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें डायमेंशन चाहिए ए बी सी डी का। कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे एक्सपोनेंशियल बना है वही चीज़ यहाँ भी यूज करना है। देखिए समझिए, पहले जैसे आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी, जैसे अगर आप बात करेंगे कि साइन और 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो ये जो टर्म है वो 1/2 होता है। आप जानते हैं कुछ भी, आप साइन 45 डिग्री ले लें, कोई भी टर्म लेंगे वो 1/2। सो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर कुछ भी है वाई लिखा हुआ, ठीक है, या ऐसे मैं यूज करूँ, मान लीजिए कुछ कोई भी मन करे वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा यूज करूँ, ऐसे साइन थीटा, ठीक है, तो आप इसको फॉलो करेंगे, ऐसे ऐसे आप फॉलो करेंगे, इस तरह ऐसे फॉलो करिए, 1/2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। सो ये जो नंबर थीटा जो होता है ना, थीटा भी एक नंबर है और ये साइन थीटा या वाई भी करेंगे, वाई कहिए या साइन थीटा भी एक नंबर हो जाएगा। जैसे आप एक्सपोनेंशियल, आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ये एक्चुअली एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। सो इस पे ऊपर कुछ भी पावर लगाएंगे वो भी एक कांस्टेंट रहेगा, ई पे पावर जो है एक्स एक कांस्टेंट हो जाएगा और इसके ऊपर भी एक्स भी कहेंगे, एक्स भी एक क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसा एक कांस्टेंट हो। जैसे ये एक्सपोनेंशियल पढ़े हुए एग्जैक्टली सेम साइन का, कॉस का, टेन का, ये सब सारा रिजल्ट बनाने का यही तरीका है कि आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे या आप जनरल बातें करेंगे कि साइन थीटा आप मैथ में फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इसका रेंज -1, 2, +1 एक रेंज है यहाँ, इसका मतलब साइन थीटा एक नंबर है और इसके अंदर आने वाला थीटा, ये जो यहां यूज करेंगे थीटा, थीटा भी एक नंबर रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आप बना के दिखा सकते हैं। मान लीजिए साइन 30 डिग्री करेंगे तो साइन 30 डिग्री 1/2, सो साइन थीटा, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री ये 1/2 एक नंबर है और थीटा, थीटा भी एक मैथमेटिकल नंबर होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे साइन के लिए या कॉस के लिए, आप ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे आपने एक्सपोनेंशियल के लिए बनाया कि एक्सपोनेंशियल एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है तो इसके ऊपर पावर डाल देंगे तो भी ये कांस्टेंट रहेगा और इसके ऊपर जो पावर डालें वो भी एक्स भी कांस्टेंट होता है। तो उसी तरह साइन थीटा है, साइन थीटा एक मैथमेटिकल नंबर है, वो लाइज करता है -1 to +1, ये एक नंबर है। तो साइन थीटा एक नंबर है और उसमें लगने वाला थीटा भी एक नंबर होता है, वो डिग्री है और नंबर का कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होता। देखिए चेक करेंगे आप, गिवन है वाई इज इक्वल टू ए और साइन बी एक्स सी टी प्लस डी ऐसे लिखा हो, तो सबसे पहले वाई देखेंगे इज इक्वल टू ए, पूरा का पूरा टर्म जो है एक नंबर हो गया, ठीक। वाई डिस्टेंस है,
एक्स वाई डिस्टेंस है, टी फोर टाइम है, और डिस्टेंस डिस्टेंस का डायमेंशन लेंगे जैसे एल, और इसका डायमेंशन लेंगे तो ए, नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो ए का डायमेंशन ले रहे हैं तो ए का डायमेंशन जो हो गया वो एल, ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर से देखेंगे, वाई इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी टी और प्लस डी, ऐसे लिख लेंगे। ये जो टर्म है बी एक्स प्लस सी टी प्लस डी, ये भी तो एक नंबर है, क्योंकि साइन थीटा एक नंबर है, तो थीटा भी तो एक मैथमेटिकल नंबर है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 60 डिग्री। सो ये जो आपका b इंटू एक्स प्लस सी इंटू टी प्लस डी, ये भी तो एक नंबर हुआ, इसका मतलब जो हुआ सब एडिशन है, ऐड करना है, और जब चीजें ऐड करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि बी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू टी इज इक्वल टू डी मस्ट बी इक्वल टू नंबर। सो सबका यूनिट, क्योंकि एडिशन जब होता है तो हर टर्म का, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, हर एक का टर्म का डायमेंशन या यूनिट क्या होगा, सेम होता है। बस यहां से बी निकाल दीजिए, सी निकाल दीजिए, डी निकाल दीजिए, तो बी अगर निकालेंगे तो बी बी इज इक्वल टू ऊपर में नंबर हुआ और नीचे में डिस्टेंस एक्स हुआ, जब सॉल्व करेंगे तो इसका डायमेंशन हो गया एल पे पावर माइनस वन, ये बी हो गया। सी इंटू टी, तो सी इज इक्वल टू ऊपर में हुआ नंबर, नीचे में डायमेंशन टाइम हो गया टी, और टाइम का डायमेंशन टी टी होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स। डी तो एक मैथमेटिकल नंबर है, सो डी का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, बाकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी सी डी से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। सो डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी, सो ए का डायमेंशन है एल, एल इनवर्स, टी इनवर्स, बस इसका तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, ये और ये कट जाएगा, सो फाइनली बच गया टी इनवर्स। सारा काम एक मिनट का है, तो प्रैक्टिस करेंगे, कर लेंगे आप। लेक्चर टू में है बहुत सारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं देता हूँ एज ए साइन का फंक्शन, जैसे एक्सपोनेंशियल, फोर क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया, इसको भी करा देता हूँ। सो एक लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट एक्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के टी, ऐसे लिखो। सो हमें डायमेंशन ऑफ के चाहिए, एक्स रे डिस्प्लेसमेंट, टी फोर टाइम। सो यूनिट ऑफ के या डायमेंशन ऑफ के चाहिए, ये चाहिए।
देखिए, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर केटी, ये साइन स्क्वायर केटी जो है ना, ये बस इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर केटी, ठीक है। आप पता है कि आप साइन थीटा एक नंबर होता है, आप जानते हैं कि साइन थीटा, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा एक नंबर है, और इसमें जो थीटा यूज करते हैं वो भी तो एक नंबर होता है, ऐसे। So, इस टर्म में साइन स्क्वायर के डी में ये जो टर्म है, ये के इंटू टी, ये एक नंबर है, के इंटू टी एक नंबर है। नो, यहां से के हटाएंगे, बाय टाइम, तो यूनिट ऑफ के जो हो गया टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, हर्ज कर सकते हैं, डायमेंशनल कर सकते हैं। सो अब आप लिख लेंगे, सो नंबर, नंबर तो कोई डायमेंशन यूनिट होता नहीं है, टाइम का डायमेंशन है सेकेंड, सो सेकेंड इनवर्स, इसको आप एच चेक कर सकते हैं, हर्ज लिख सकते हैं, हर्ज। डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन में टी इनवर्स, नेक्स्ट साइन हो या कॉस भी फंक्शन हो उसके लिए भी आप बना सकते हैं। 70, सो इक्वेशन ऑफ वेव वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स बाई वी माइनस के, तो यहां पे हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ के, के का डायमेंशन चाहिए, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, वी तो स्पीड है, ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉल्व करेंगे, और डायमेंशन ऑफ के चाहिए मुझे, यहां मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट में बन सकता है, यहां साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना साइन के हेल्प से भी बना सकते हैं। अगर आप दो टर्म, सिर्फ इसको देखिए, बाकी चीजों को भूल जाइए, इधर के सारे टर्म को भूल जाइए, अगर कोई भी दो टर्म को आप ऐड कर रहे हैं या दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बाकी टर्म को भूलिए, बाकी इस साइड के टर्म को देखना ही नहीं है, आप इसकी तरफ बात ही मत करिए, यहां इसकी तरफ देखना ही नहीं है, सिर्फ उस टर्म को देखें, क्योंकि एडिशन मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, यहां पे एक्स वाई वी माइनस के, अगर फिजिकल क्वांटिटी दो टर्म ऐड कर रहे हैं या दो टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम, या यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। सो ये तभी पॉसिबल है जब यूनिट ऑफ के मस्ट बी इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स बाई वी, हमें क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ के, x का मतलब हुआ l और ये एल टी माइनस वन, सो ऊपर जाएगा तो ये t होगी, चेक कर लेता हूं मैं, यस है ऑप्शन, ये तो काफी आसान है, इसमें साइन कॉस का जरूरत नहीं पड़ा। एक और देता हूं मेडिकल क्वेश्चन,
सो वाई इक्वल टू ए साइन 2π बाय लैम्डा, सी टी माइनस एक्स, मैं टर्म लिख देता हूं क्या क्या इसमें दिया हुआ पेपर में, y एंड x मेजर इन मीटर, सो करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, y x आर इन मीटर, सो ट्रू स्टेटमेंट, मेडिकल क्वेश्चन है, ट्रू स्टेटमेंट, इसमें सच करना है कौन कौन सा करेक्ट, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, फर्स्ट लिखा हुआ यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज द एक्स एंड ए, ऑप्शन ए, चेक करेंगे आप, सो यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज द एक्स एंड ए, ऐसे सॉल्व करेंगे, मान ली इस इक्वेशन को हेल्प नहीं लेना है, बिना इक्वेशन का आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये तो बन जाएगा आपका, क्योंकि वेवलेंथ है, वेवलेंथ का यूनिट तो मीटर में होता है, और ए फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का भी यूनिट मीटर में रहेगा, एक्स एक्स को तो लिखा ही हुआ मीटर में, तो ये तो आंसर दिख ही रहा है सही, बाकी आपको चेक करना हो तो चेक करना हो, आपको सॉल्व करना है कि मुझे मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो आप चेक करिए, ये तो आंसर साफ दिख रहा है कि करेक्ट है, क्योंकि पीएमटी में तो टाइम मैटर करता है ना, कि आप किसी तरह से फास्ट बनाए बस, तो आंसर तो ये करेक्ट है, ये तो दिख रहा है, क्योंकि आप जानते हैं वेवलेंथ, क्लास में पढ़ चुके हैं वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, पढ़े हुए हैं, एक्स एक्स तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि ये मीटर में है, और ये है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी मीटर में होता है, ये भी लेंथ ही को रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ए, तो ये तो सारा सही है आपका, और आपको प्रूफ करना हो तो प्रूफ करने के लिए यहां पे ए यूज कर लेंगे, इधर जाएंगे तो साइन, यहां पे लिखेंगे 2πct बाय लैम्डा माइनस 2πx बाय लैम्डा, ऐसे यूज कर लेंगे इस टाइप से। अब आप जानते हैं कि ये y, y जो है वो a, और होल टर्म, पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म, ये साइन थीटा पूरा टर्म एक नंबर होता, और इसका यूनिट है मीटर, उसका यूनिट है a, सो यूनिट ऑफ y, y का यूनिट हो गया मीटर, और इधर आएगा यूनिट ऑफ a, तो यूनिट ऑफ a जो हुआ वो मीटर आ गया, एकदम करेक्ट है, करेक्ट, और उधर भी आप सॉल्व करेंगे तो ये टर्म, ये होल टर्म, ये पूरा टर्म भी तो एक नंबर है, पूरा एक टर्म नंबर है, तो आप लिख सकते हैं कि 2π ct by lambda 2πx by lambda, ये भी एक मैथमेटिकल नंबर है, और दो टर्म ऐड कर रहे हैं तो दो टर्म ऐसे ऐड करिएगा, तो अगर ये नंबर है, ये नंबर है, तभी तो ये नंबर रहेगा, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सबका यूनिट सेम होता है, तो ये सिर्फ 2πx by lambda भी एक नंबर होगा, सो x इज इक्वल टू जो है नंबर बाय 2π, ऊपर में हो जाएगा lambda, सो इसका यूनिट करेंगे तो ये इसका यूनिट हो गया मीटर,
ये तो यूनिट लेस हो गया और ये यूनिट है लैम्डा। देखिए यूनिट ऑफ लैम्डा, यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ एक्स, सब चीज सेम होगा। सो बिना इसके सॉल्व किए ही आप डायरेक्ट वहां से, अगर आप सारा यूनिट डायमेंशन पढ़े हुए हैं, 70 पढ़े हुए हैं, तो उससे तो बन ही जा रहा। और चेक कर लेते हैं, आंसर तो आपको मिल गया है, मेडिकल स्टूडेंट है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका मैच कर चुका है। बट और चेक करना हो तो एक आप और देख लेते हैं, नोट करिए सूत्र तक। ऑप्शन बी। सो साइंस समझने के लिए तो अभी क्रॉस करना, चेक करना सीखिए। ऐसा तो आपका हो गया है, पी में लिखा हुआ यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज, ये तो गलत हो गया। यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज एक्स बट नॉट सेम एज ए, ए के बराबर नहीं है, ये तो गलत हुआ, क्योंकि तीनों का यूनिट ए का, लैम्डा का, एक्स का, तीनों यूनिट क्या है, सेम है, तो ये तो लाइन गलत है। अभी तो आपने ए, ए ट्रू है तो ये तो गलत होना ही है। सी, यूनिट ऑफ सी इज सेम एच 2π बाय लैम्डा, जरा चेक करते हैं तो नहीं, गलत है। देखिए ऐसे बताइए तो आप यहां से चेक करेंगे, मैं उधर बैठा हूं, ये तो गलत है। अभी आपने जो बनाया था इसमें फंक्शन देखिए, तो आप बताइए 2π सी टी बाय लैम्डा या 2π एक्स बाय लैम्डा, ये एक नंबर हो गया, ये भी एक नंबर हुआ, फाइनली नंबर आ रहा है, तो ये तो एक नंबर है ये। सो ऐसे देखेंगे 2π सी टी बाय लैम्डा एक नंबर है, तो आपको लिखना चाहिए कि c इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2π टी। सो ये लाइन एकदम गलत है कि यूनिट ऑफ c, यूनिट ऑफ 2π बाय लैम्डा गलत है। यूनिट ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू यूनिट ऑफ लैम्डा बाई 2π टी, लैम्डा बाई 2π टी, और नंबर, नंबर तो यूनिट लेस होता है। रॉन्ग। डी, एक और चेक कर लेते हैं हम लोग। सो यूनिट ऑफ सी टी माइनस एक्स ct माइनस एक्स इज इक्वल टू यूनिट ऑफ 2π बाय लैम्डा, अगेन गलत, अगेन रॉन्ग हो गया, 2π बाय लैम्डा। चेक कर लीजिए, आप उससे रिलेट कर लीजिए जो गिवन इक्वेशन था, उससे आप कंपेयर कर लेते हैं। ऐसे भी आप देखेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे मैच कर सकता है। इसका यूनिट देखिए, ये इसका यूनिट मीटर है और इसका यूनिट 1 बाय मीटर है। आपको इक्वेशन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसका यूनिट देखेंगे तो ये सी का सी इंटू टी या एक्स का, क्योंकि दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम यूनिट होता है, तो इसका यूनिट आप चेक करेंगे, इसका यूनिट हो रहा है मीटर, और इसका यूनिट चेक करेंगे तो इसका यूनिट ऊपर में कांस्टेंट है और नीचे में लैम्डा है, लैम्डा का यूनिट मीटर है। तो बताइए यहां पे मीटर है, उधर 1 बाय मीटर कभी भी मैच नहीं करेगा। तो पीएमटी का है ये, एफएमसी का क्वेश्चन, मेडिकल के लिए क्वेश्चन था आपका। सो 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, 18 हो गया, 2 क्वेश्चन और मैं कंप्लीट करता हूं। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये एडवांस का जो मेन क्वेश्चन है, आईटी एडवांस क्वेश्चन था।
पहले का एडवांस में आया हुआ, बाकी बाद में कई एग्जाम में इसको रिपीट किया। तो मुझे चाहिए था डायमेंशन, उसका डायमेंशन चाहिए। तो एनर्जी, एनर्जी तो फिंगर टिप्स पर रहता है, हम लोग जानते हैं। एनर्जी का डायमेंशन हुआ ML2T-2, और मास, मास का मतलब हुआ m, एंगुलर मोमेंटम नहीं याद आ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम का फंडामेंटल फार्मूला, फार्मूला पता है मुझे, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। तो फंडामेंटल रिजल्ट जानेंगे कि सर्कुलर मोशन था, लेनर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय आर था। तो m पता है, v पता है, r पता है, तो m यहाँ पे आप डायमेंशन करेंगे तो m हुआ, और l, एल टी माइनस वन स्पीड, और बगल में r है, l है, तो m एल टू और टी माइनस वन, ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। इसका तो मुझे एकदम नहीं याद ही नहीं है, बट फॉर्मूला मैं बना लूँगा, वो 10th class 9th class से मैं रेफरेंस लूँगा। फोर्स इज इक्वल टू जी और एम, एम बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ जी, जी जो होता है वो होता है फोर्स और आर स्क्वायर और डिवाइड बाई एम इंटू एम, ठीक है। अब मैं इसका डायमेंशन करूँगा, तो डायमेंशन डायरेक्ट मैं यूज कर सकता हूँ। डायमेंशन इसमें क्या होता है, एम, एम एल टी माइनस टू, और एक एम नीचे कट जाएगा, तो ये ऊपर गया एम माइनस वन। एल, एक एल होता है और यहाँ एल स्क्वायर, तो एल थ्री और टी माइनस टू। तो डायमेंशन याद नहीं करना है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, डायमेंशन के लिए रेफरेंस याद करना है। ये जो आपके 9th class का रिजल्ट है वो याद रखना है, ये तो सबको याद रहता है, इसमें समझाना क्या। और यहाँ से तुरंत रिवर्स कर लेंगे, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई मास इंटू मास। फोर्स पता है एम एल टी माइनस टू, आर का मतलब एल स्क्वायर, और नीचे में दो है एम एम, कैंसिल करेंगे ये आएगा। चलिए पुट करते हैं वहाँ पे, एम एल टू टी माइनस टू, देखेंगे ये जे का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करें यहाँ पे। सो एम का स्क्वायर, एल पे पावर फोर, टी, टी पे पावर माइनस टू, यहाँ एम पे पावर फाइव, जी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, तो एम पे पावर माइनस टू, एल पे पावर सिक्स, टी पे पावर माइनस फोर। सॉल्व कर लीजिए। सो यहाँ पे एक एम और दो एम और फाइव, फाइव एम कैंसिल हो गया, पूरा एम खत्म हो गया, तो एम पे पावर जीरो हो गया। एल यहाँ टू सिक्स, सिक्स एल पे पावर जीरो हुआ, टी माइनस फोर, अरे सारा जीरो हो गया, सारा जीरो। सो कोई डायमेंशन नहीं है। ऑप्शन में लिखा हुआ था कि दिस इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ ऑफ एंगल, क्योंकि एंगल, एंगल का डायमेंशन, एंगल तो कांस्टेंट है ना, डायमेंशन ऑफ एंगल, एंगल हमेशा कांस्टेंट होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सब एंगल कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन मैं स्लाइड बना के प्रेजेंट कर दूंगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेक्चर टू मेरा फाइनल हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पी बाय 12, ठीक है, म्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, पी एक नंबर है, लेंथ है, एफ द फोर्स हो, हमें डायमेंशन ऑफ एम चाहिए। एक्चुअली एम नहीं, इसको मास नहीं कहिए, म्यू लिखा जाता है, बट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था तो मैं लिख दे रहा हूं डायमेंशन ऑफ एम चाहिए। एम का डायमेंशन चाहिए, a
कंटिन्यू करते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं वन बाय टाइम पीरियड का डायमेंशन टी इनवर्स हो गया, ये हो गया नंबर नो डायमेंशन, लेंथ में एल हो गया, फोर्स का मतलब हुआ एम एल टी माइनस टू, डायमेंशन ऑफ एम चाहिए। आप क्या करेंगे कि इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लेते हैं एकदम सिंपल सा। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो ये म्यू स्क्वायर पी स्क्वायर फोर एल स्क्वायर एफ बाय एम, यहां से एम बाहर निकाल देंगे, पी स्क्वायर फोर एल स्क्वायर एफ म्यू स्क्वायर। अब आप डायमेंशन करना हो एम का, तो देखिए ये तो नंबर है, पी नंबर है फोर नंबर है, तो यहां पे यूज करेंगे तो यहां पे एल का स्क्वायर फोर्स है, फोर्स की जगह आप यूज करेंगे एम एल टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी टी टी माइनस टू सॉल्व करेंगे, टी माइनस टू कट गया, एल एल कट गया, तो एम एल माइनस वन, ये है डायमेंशन ऑफ एम। तो एम एल माइनस वन किलोग्राम पर मीटर, लीनियर मास डेंसिटी उसको बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ कहेंगे, मास पर यूनिट लेंथ लीनियर मास डेंसिटी। अब आपका लेक्चर टू ये फाइनल हो गया, ये फाइनल। सो 70 क्वेश्चन लेक्चर वन और लेक्चर टू भी मैंने अपलोड कर दिया आपको होमवर्क के लिए, 70 क्वेश्चन ये भी है। यस सो 70 क्वेश्चन ये और लेक्चर वन भी, ठीक है 70 क्वेश्चन ये फाइनल। अब आपको लेक्चर वन आपको कंप्लीट करना था, ये पहले ही मैंने कर दिया था, और लेक्चर टू भी कंप्लीट करना है। अच्छा तो आपको एक भी डाउट नहीं होगा पहले, ठीक है एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, ठीक है अगर आप कॉपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉपी की एक एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, एक सिंगल डाउट नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आया था मेरे पास मैसेज कि ये क्वेश्चन नंबर में डाउट है, तो देखिएगा आप क्या करना है, आप जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ उसके आप आगे पेज बढ़ते जाइएगा। जैसे लेक्चर वन मैंने दिया, लेक्चर वन का क्वेश्चन दिया 70, उसके बाद ब्लॉक लिखा हुआ आंसर बना हुआ है, और उसके आगे पेज पर जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन का सलूशन भी है, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम होगा और जहाँ जहाँ आपको डाउट होगा उसका सारा मैंने आंसर पीछे बना दिया है। तो लेक्चर वन में जो भी क्वेश्चन मेरे पास आया था कि ये एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर जो जो लिखा हुआ था मैंने चेक किया कि वो सारा क्वेश्चन क्या मैंने बनाया है, तो यस उसके सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है लेक्चर वन का क्वेश्चन नंबर 70 के बाद फिर देखिएगा आंसर दिया हुआ है, ए बी सी डी लिखा हुआ, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, तो जो जो आपको डाउट हो रहा है उससे आप मैचिंग करेंगे, देखेंगे मिल जाएगा आपको सोल्यूशन। और फिर से ट्राई करना है, एक बार नहीं बनता तो दोबारा आप ट्राई करेंगे, आज मैंने कुछ नई चीज़ें सिखा इसके हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। सो लेक्चर वन लेक्चर टू और एक भी डाउट नहीं होगा, जो भी डाउट होगा आपको क्वेश्चन जो लेक्चर है उसके लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्सप्लेन किया है, ठीक है उसका आप हेल्प लेंगे, ठीक है हेल्प लेके बनाइएगा बन जाएगा आपसे।
सो फिनिश करिए, लेक्चर वन एंड लेक्चर टू कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका अगर जो क्वेश्चन आया था मैंने चेक किया था, वो सारे बने हुए हैं, वो सारा सलूशन मैंने लास्ट में दे दिया, तो आप चेक करेंगे उसको, ठीक है। सो ये हो गया, और नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर मैं कंटिन्यू करता हूँ। 7 हो गया, 8, आज 20 और यूनिट और डायमेंशन सिखाता हूँ आपको।